वेलकम टू द शिवन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं हिकविजन का ये एनवीआर है और इनमें कॉमन फॉल्ट आता है कि इनके जो लैन कनेक्टर होता है ये खराब हो जाता है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सर, जब हम 12 वोल्ट देते हैं तो जब हम 12 वोल्ट इसमें प्लग करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें पावर लाइट जल रही है। इसका मतलब ये है कि ये एनवीआर काम कर रहा है, सप्लाई सेक्शन ठीक है इसका। लेकिन जो इसका एनवीआर में कनेक्टर है लैन वाला, एक पिन का कनेक्टर है, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो जल गया है। अभी मैंने एक और रिप्लेस किया है जिसमें आप देखेंगे लैन का कनेक्टर कुछ इस तरीके से खराब है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये कॉमन फॉल्ट है और इसके लिए ये खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन कर देंगे फीमेल कनेक्टर के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने कट कर दिया है और कट करने के बाद मैंने इसकी कलर कोडिंग बना के रखी है पहले से ही, क्योंकि मैंने इनको करता रहता हूं। तो आप देखेंगे इनको निकालने के बाद इसमें भी 8 वायर आपको देखने को मिलेंगी। ये पेयर में है और इसका जैसे भी आप कलर देख रहे हैं, तो अभी हम आपके सामने इसको करके दिखाएंगे। तो मैंने एक लैन कनेक्टर फीमेल लिया है, जैसे इसका अगर मैं होल्डर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा होल्डर, और मैंने इसको निकाल के इसमें टाके लगाने हैं। और जो इसकी कलर कोडिंग है, पहला ब्लैक, फिर उसके बाद आपका ब्राउन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, हल्के हल्के पहले इनको सोल्ड कर लूंगा, यानी कि इनको निकाल के हल्के हल्के पहले ही पेस्ट लगा के रेडी रखूंगा सोल्ड करने के लिए। तो अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है रिपेयर कराने के, संपर्क कर सकते हैं दुर्गा सिटी सेंटर हल्द्वानी में। और हमारे पास बहुत छोटे छोटे से कोर्स चल रहे हैं, अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहें तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 2 से 3 महीने के कोर्स होते हैं और आप अपने लिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं कोर्स सीखने के बाद। तो पेस्ट लगाने के बाद हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे और इसके बाद हम इसको टांके लगा देंगे। तो आप देखेंगे सभी पिनों को हम सही से पहले सोल्ड कर लेंगे। और सोल्ड करने के बाद ही हम इनके कनेक्शन करेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी वायर इधर उधर हो रही है, उनकी भी हम ट्रिमिंग करेंगे, सही करेंगे, उन्हें काट लेंगे उन्हें। जैसे ये ब्लैक हो गया, ये येलो हो गया, ब्लू हो गया, ये ग्रीन है, सोल्ड नहीं हो पा रही थोड़ी सी, ये ग्रीन, फिर आपकी ये ब्राउन, वॉलेट, ऑरेंज और ये वाली रेड। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे हम ब्लैक वायर से करेंगे। मैंने इनकी कलर कोडिंग पहले से ही बना के रखी हुई है। तो जैसे आप लैन बनाते हैं तो आप भी देखते होंगे कलर कोडिंग के हिसाब से ही लैन कनेक्टर बनाया जाता है, उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। ब्लैक अच्छे से सोल्ड हो गई और सोल्डिंग आपने अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे ट्वीजर की मदद से पकड़ूंगा, इसके बाद मैं पकड़ूंगा ब्राउन और फिर उसके बाद ग्रीन। तो ब्राउन वायर ये रही मेरी, और इसको पिन नंबर 2 पे सोल्ड करूंगा। और ध्यान ये रखना है कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो। और सोल्डरिंग, और दूसरी क्या है, सोल्डरिंग आपकी फाइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद ग्रीन आ जाती है तीसरे नंबर पे, थोड़ा सा काट लूंगा इसके आगे के हेड को। और इसके बाद आप देखेंगे ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिनके लिए अब तक इनको फेंक दिया जाता था क्योंकि ये रिपेयर नहीं होते थे, ये सोल्ड हो गया। और आप देखेंगे ग्रीन के बाद है आपका ऑरेंज, ठीक है,
तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऑरेंज के बाद मैं येलो वाली को सोल्ड करूंगा। रेड करने के बाद आप देखेंगे इसमें मैं येलो वॉलेट और ब्लू, इसके बाद येलो है, फिर वॉलेट है, इसमें थोड़ा सा शोल्डर ज्यादा है, इसको भी काटूंगा मैं। तो ये आपकी वॉलेट लग गई है, इसको निकाल के अच्छे से करूंगा शोल्ड। उसके बाद आपका ये ब्लू वायर, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपके पिने हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये शॉर्ट ना हो जाए तो इनकी लेयर में टेपिंग करेंगे ताकि ये एक दूसरे से टच ना हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सोल्डरिंग कर ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेप लगा के इसकी इंसुलेशन कर रहा हूँ। जैसे 8 पिन का कनेक्टर है तो 1 पिन उठा के और टेप की मैं अप एंड डाउन में कर रहा हूँ, यानी कि 4 नीचे रह जाएंगे, 4 ऊपर रह जाएंगे। उसके बाद मैं इनकी टैपिंग कर देता हूँ। देखेंगे आप 3 तार ऊपर हो गए, 3 तार नीचे हो गए, 1 छोड़ के 1 हो गए। तो इसके बाद मैं इसको इंसुलेट करके अच्छे से फिक्स कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिपेयर कराना चाहते हैं और जो रिपेयर नहीं हो रही है तो एक बार ट्राई करा सकते हैं शिवा कम्युनिकेशन पे। आप देख सकते हैं मैंने 1x1 ऊपर नीचे करके लगा दिया है इन्हें और अब ये अच्छे से इंसुलेट हो जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर टेप भी लगाऊंगा, तो ये लगाना है इसके ऊपर, दोबारा से टैपिंग करूंगा ताकि ये आपस में एक दूसरे से टच ना हो। तो यहां से इसको आप अनप्लग करके अच्छे से टेपिंग करते हैं ताकि कोई भी चीज अपनी जगह से ना हिले और जो वेदर का है फर्क वो भी इफेक्ट इसमें ना पड़े। और टेपिंग करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब आप देखेंगे मेरा कनेक्टर रेडी हो गया है और इसको मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से रेडी होगा। ये कनेक्टर आता है इस तरीके से और जब मैं इसको इसमें प्लग करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा कनेक्टर रेडी हो गया है। अभी मैं इसको इसमें लगाऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्टर मैंने डाल दिया है बैक साइड में होल करके यहाँ से, और इसके बाद इसको हम यहाँ से प्लग करेंगे और देखेंगे सारी पिन अपने सॉकेट में है। और इसके बाद इसको हम थोड़ा दबाएंगे फोर्सली और ये लॉक होने चाहिए, लेकिन ये लॉक नहीं हो रहा है, इतना स्पेस नहीं बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा और कटिंग करूंगा इसके। तो आप देखेंगे इस तरीके से अब इसको हम पैक करेंगे क्योंकि कनेक्टर की वो पैकिंग तो आएगी नहीं जैसी होती है, लेकिन हाँ काम हमारा जरूर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे पैक करना है अच्छे से। यहाँ पे आपने लगाने के बाद मैंने अभी इसका आगे का फ्रंट भी बंद कर दिया है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे उसको खोलना है। और इसको अच्छे से टैपिंग कर दें। टैपिंग करने के बाद जो ये बॉटम साइड है इस पर भी आप अच्छे से टेप कर दें। और करने के बाद आप सर्जिकल ब्लेड से इसका जो फ्रंट मैंने अभी लॉक किया है वो मैं खोल दूंगा। तो आप देखेंगे मेरा ये सही हो गया है। इस तरीके से हमारा जो NVR है वो सही हो गया है। और ये कनेक्टर पहले मिलते नहीं थे जिसके वजह से इनको खराब हो जाते थे, और ये कनेक्टर इस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।